कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। कल तक हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे आप? जल्दी बताएं, कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो मराठा शासन का पहला भाग पढ़ा था, है ना। मैंने मराठा शासन के अंतर्गत आपको बताया था कि हम कितने स्वरूपों में मराठा शासन को पढ़ने वाले थे। तो मराठा शासन को पढ़ने के 5 स्वरूप हमने निर्धारित किए थे। कौन कौन से थे वो 5 स्वरूप? तो हमने देखा था कि जो पहला स्वरूप था वो क्या था, अप्रत्यक्ष मराठा शासन का। ठीक, पहला स्वरूप क्या था? तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन का स्वरूप था, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कलचुरी वंश है वो क्या कर रहा था, तो मराठों के अधीन शासन कर रहा था। और जब तक ये समय चलता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन का समय बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? फिर हमने क्या देखा कि नागपुर से एक राजा आते हैं जिनका नाम रहता है बिंबाजी भोसले, और बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहां पर आकर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले पहले मराठा शासक थे। तो जब तक मराठा शासक बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में शासन करते रहते हैं वह समय क्या कहलाता है हमारा, तो प्रत्यक्ष मराठा शासन का समय कहलाता है। फिर जब 1787 में क्या हो जाता है, बिंबाजी भोसले की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बिंबाजी भोसले की मृत्यु उपरांत जो व्यंकोजी भोसले को क्या किया जाता है, यहाँ का शासक जब नियुक्त किया जाता है तो व्यंकोजी भोसले क्या नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ में आकर शासन करना नहीं चाहते थे। ठीक, इसलिए उन्होंने कौन सी एक नई व्यवस्था शुरू की, तो उनके द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम था क्या, सूबेदारी व्यवस्था या सूबेदारी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या सूबा शासन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो इसका समय क्या रहता है, तो 1788 से 1818 तक का जो समय रहता है वो सूबेदारी व्यवस्था का रहता है। और हमने पढ़ लिया है कहां तक, तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, और साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है हमारा, तो सूबा शासन व्यवस्था भी कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से आप लाइव सेक्शन में बताएं मुझे कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सूबेदार हैं उनकी संख्या 8 किसमें बताई गई है और उनकी संख्या 9 किसमें बताई गई है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि छत्तीसगढ़ के जो सूबेदार हैं उनमें कितने सूबेदार थे, इसकी संख्या 8 किसने बताई है और इसकी संख्या 9 किसने बताई है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कल हमने ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। ठीक है, दूसरा बताना, किस सूबेदार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, किस सूबेदार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जल्दी बताएं आप कमेंट सेक्शन में। फिर आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने बताया था आपको कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, साथ में पुनः मराठा शासन और मराठा कालीन जो प्रशासन है इसके बारे में क्या करने वाले हैं, हम आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, जितने लोग भी हैं जुड़े हैं सब क्या कर दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को क्या कर दें, ये शेयर कर दें, ताकि वो भी क्या हो पाए, जल्द से जल्द हमारे इस वीडियो में जुड़ पाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हमारा मराठा शासन पार्ट 2। ठीक है, मराठा शासन का दूसरा भाग आज हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था। पहला बोल रहा है नागपुर दरबार के षड्यंत्र, दूसरा बोल रहा है रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, तीसरा बोल रहा है सहायक संधि को स्वीकार करना और चौथा बोल रहा है नागपुर राज्य में गृह युद्ध। इनमें से कौन सा जो कारण था जिसके कारण
जो नागपुर का भोसला राज्य है उस पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हुआ। जल्दी से आप अपना आंसर लगाइए। चलिए इसके बारे में हम लोग आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कल तक का आप याद कीजिए, कल जो हमने पढ़ा था उसको आप क्या करें, सबसे पहले आप याद करें। क्या याद करना है आपको, जो कल तक हमने पढ़ा था। तो कल हमने जो शुरुआत की थी उसमें हमने देखा था कि जो नागपुर है ना, इसके अधीन कौन शासन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ इसके अधीन एक क्षेत्र है। और नागपुर में जब शासक रघुजी प्रथम, ठीक है, नागपुर में कौन, जब शासक रघुजी प्रथम शासन कर रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए कौन नियुक्त हुए थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए नियुक्त हुए थे बिंबाजी भोसले। ठीक, उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए कौन नियुक्त हुए, तो उस समय छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए बिंबाजी नियुक्त हुए थे। क्लियर है यहां तक। दूसरा, जब नागपुर के अंतर्गत रघुजी द्वितीय का शासन आया, तो रघुजी द्वितीय ने छत्तीसगढ़ में शासन करने की जिम्मेदारी या छत्तीसगढ़ की सत्ता की जिम्मेदारी किसको दी थी, तो व्यंकोजी भोसले को दी थी। ठीक है, किसको दी थी, तो व्यंकोजी भोसले को दी थी। अब मैंने बताया था कि रघुजी के प्रथम के पुत्र कौन रहते हैं, रघुजी द्वितीय रहते हैं, साथ ही बिंबाजी भी क्या रहते हैं, तो रघुजी प्रथम के पुत्र रहते हैं। ठीक, तो रघुजी द्वितीय को क्या मिलता है, नागपुर का राज्य मिलता है, और बिंबाजी को किस क्या मिलता है, तो छत्तीसगढ़ का राज्य मिलता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया आपको। ठीक, फिर मैंने बताया था कि रघुजी द्वितीय के छोटे भाई कौन रहते हैं, तो रघुजी द्वितीय के छोटे भाई रहते हैं व्यंकोजी भोसले। तो जब रघुजी द्वितीय क्या होते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, कहां, तो रघुजी द्वितीय जब सत्ता पर काबिज होते हैं नागपुर में, तो नागपुर में सत्ता में काबिज होने के बाद बिंबाजी की मृत्यु उपरांत वो छत्तीसगढ़ का दायित्व किसको सौंपते हैं, तो व्यंकोजी भोसले को सौंपते हैं। लेकिन व्यंकोजी को कहां शासन नहीं करना रहता, तो व्यंकोजी को नागपुर के शासन में ज्यादा दिलचस्पी रहती है बजाय किसके, छत्तीसगढ़ के। तो वो कहां रहना चाहते हैं, नागपुर में रहना चाहते हैं। तब उनके द्वारा कौन सी एक व्यवस्था शुरू की जाती है, सूबेदारी व्यवस्था शुरू की जाती है। छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए वो क्या करते हैं, तो सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक, इसके बाद रघुजी द्वितीय, और रघुजी द्वितीय के बाद रघुजी द्वितीय के पुत्र परसोजी, ठीक बताया था मैंने कौन, परसोजी, आज कल और परसोजी, आज जी कल जी और ये परसोजी आ गया। ठीक है, कौन आ गया, तो परसोजी आ गया। ठीक, तो परसोजी जब शासन करने के लिए नागपुर में नियुक्त होते हैं, तो इस समय छत्तीसगढ़ का दायित्व तो किसको सौंपा जाता है, तो अप्पा साहब को सौंपा जाता है। ठीक है, किसको सौंपा जाता है, अप्पा साहब को सौंपा जाता है। और मैंने बताया था कि व्यंकोजी के भांति अप्पा साहब भी क्या नहीं चाहते थे, तो छत्तीसगढ़ में आकर शासन करना नहीं चाहते थे। इनकी भी सारी जो दिलचस्पी थी, है ना, जो शासन का सारा जो ध्यान था वो कहां पर था, नागपुर की राजनीति में था। उनको भी कहां से राजा बनना था, तो नागपुर का राजा बनना था, ना कि छत्तीसगढ़ का, है ना। अब इसी के कारण जो अप्पा साहब रहते हैं वो क्या करने लगते हैं, परसोजी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। किसके विरुद्ध, तो परसोजी के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगते हैं। और अप्पा साहब फिर क्या कर लेते हैं, एक मित्रता कर लेते हैं ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर जेनकिंस से। ठीक है, किससे मित्रता कर लेते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर जेनकिंस से मित्रता कर लेते हैं, और इनके साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगते हैं, किसके खिलाफ, तो परसोजी के खिलाफ। और परसोजी को सत्ता से हटाकर वो क्या करना चाह रहे हैं, तो परसोजी को सत्ता से हटाकर जो अप्पा साहब हैं वो स्वयं नागपुर की सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं, या नागपुर के राजा बनना चाह रहे हैं। क्लियर है आपको, समझ में आ गया यहां तक। अप्पा साहब के मन में क्या है कि वो नागपुर में रहकर शासन करे या नागपुर के राजा बने, ऐसी उनकी लालसा रहती है। तो इसमें ये जो जेनकिंस है इनके साथ मिलकर जो अप्पा साहब है वो क्या करवा देते हैं, तो परसोजी की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, किसकी हत्या करा दिए, तो परसोजी की हत्या करा देते हैं। कौन हत्या करा देते हैं, अप्पा साहब।
और परसों जी की जब हत्या हो जाती है तो इनकी मृत्यु उपरांत इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम रहता है काशीबाई। पत्नी कौन? तो पत्नी इनकी काशीबाई। ये काशीबाई इनके साथ सती हो जाती है। किसके साथ सती हो जाती है? तो परसों जी के साथ उनकी पत्नी काशीबाई क्या सती हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? अब परसों जी की हत्या हो गई। परसों जी की हत्या उपरांत अप्पा साहब को क्या दे दिया जाता है? तो नागपुर की सत्ता दे दी जाती है। लेकिन नागपुर की सत्ता देते हैं जब अंग्रेज इनको, तो अंग्रेजों का प्रभाव क्या रहता है? नागपुर की सत्ता पर अधिक रहता है। उनको जो स्वतंत्रता चाहिए थी किसके अंतर्गत? अपने राजा बनने के बाद अपने जो अधिकार चाहिए थे, उतने अधिकार किसको प्राप्त नहीं होते? तो अप्पा साहब को उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसलिए ये जो अप्पा साहब थे ये क्या कर लेते हैं? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय से मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, किससे मित्रता कर लेते हैं? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय से अप्पा साहब क्या कर लेते हैं? मित्रता कर लेते हैं। ठीक है, अप्पा साहब क्या कर लेते हैं? इनसे मित्रता कर लेते हैं। ठीक, इनसे क्या कर लिए? ये मित्रता कर लेते हैं। और ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे वो जेनकिंस के क्या थे? शत्रु थे। ठीक है, किसके शत्रु थे? जेनकिंस के शत्रु थे। तब अब क्या कर रहे हैं? अगर आप दो दोस्त हैं और इसमें से एक दोस्त क्या करे, अगर आपके शत्रु के साथ वो क्या कर ले? मित्रता कर ले, तो आपका दोस्त भी क्या होने लगता है? आपका शत्रु होने लगता है। ठीक है, वही कंडीशन यहां पर भी हो रही है। दोनों पहले क्या थे? मित्र थे। लेकिन जो अप्पा साहब हैं वो क्या करने लग गए? बाजीराव द्वितीय से मित्रता करने लग गए। तब अब जेनकिंस क्या हो गए थे? अप्पा साहब से चिढ़ गए थे। ठीक, तो अब इन दोनों के मध्य क्या होना था? एक युद्ध स्वयंभावी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अप्पा साहब कहां ज्यादा नजदीक जा रहे हैं? तो बाजीराव द्वितीय के ज्यादा नजदीक जाते रहते हैं। और बाजीराव द्वितीय जो रहते हैं वो अंग्रेजों का क्या करते हैं? भरपूर विरोध करते हैं। हमेशा से उनके विपक्ष में वो खड़े हुए थे। इसलिए अब क्या होता है, इसी के कारण अप्पा साहब और जेनकिंस के मध्य क्या होता है? एक युद्ध होता है। ठीक है, किसके किसके मध्य? अप्पा साहब और जेनकिंस के मध्य क्या होता है? एक युद्ध होता है। कब? तो 1818 में। अप्पा साहब और जेनकिंस के मध्य क्या होता है? एक युद्ध 1818 में। और इस युद्ध का नाम है सीताबर्डी का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? तो सीताबर्डी का युद्ध है ना। और इस सीताबर्डी के युद्ध में जो अप्पा साहब हैं, ठीक है, कौन? अप्पा साहब, इनकी क्या होती है? पराजय होती है। अप्पा साहब की पराजय और जेनकिंस या अंग्रेजों की क्या हो जाती है? इसमें विजय हो जाती है। ठीक, जेनकिंस क्या होते हैं इस युद्ध में? विजयी होते हैं। जेनकिंस युद्ध में क्या हो गए? तो जेनकिंस इस युद्ध में विजयी हो गए। ठीक है, अब जब जेनकिंस विजयी हो जाते हैं, अप्पा साहब पराजित होते हैं, तो अप्पा साहब फिर इस क्षेत्र से भागकर चले जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत महादेव पर्वत में, और एक गोंड राजा के वो शरण में चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद परसों जी के एक पुत्र रहते हैं। ठीक है, परसों जी के पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है रघुजीत तृतीय। ठीक, परसों जी के पुत्र कौन है? रघुजीत तृतीय। और रघुजीत तृतीय क्या होते हैं इस समय? अल्पवयस्क होते हैं। ठीक, रघुजीत तृतीय क्या होते हैं इस समय? अल्पवयस्क होते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये नागपुर का अगला उत्तराधिकारी रघुजीत तृतीय को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और कहते हैं कि जब तक रघुजीत तृतीय क्या नहीं हो जाते, तो वयस्क नहीं हो जाते, तब तक क्या किया जाएगा? जो नागपुर राज्य है उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारी किसके हाथों में रहेगी, या प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथों में रहेगा? तो अंग्रेजों के हाथों में रहेगा। ठीक है, ऐसा कथन रहता है किसका? तो अंग्रेजों का। ठीक, और इस संधि के तहत जो संपूर्ण नागपुर राज्य था उस पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? तो अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। समझ में आ रहा है आपको बात? ठीक है, अंग्रेजों का नियंत्रण क्या हो गया? नागपुर पर स्थापित हो गया। और इस समय नागपुर के अधीन ही आपका कौन सा क्षेत्र आ रहा था? तो छत्तीसगढ़ आ रहा था। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या हो जाता है? जो मराठा शासन रहता है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। ठीक, और जब तक ये शासन अंग्रेजों के अधीन रहता है, उसी शासन को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के रूप में जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं? तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के रूप में जानते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? सारी चीजों को आप कनेक्ट कर लिए। क्लियर, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यतः कारण है। नागपुर दरबार में षड्यंत्र, ठीक अलग चीज है, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सहायक संधि को स्वीकारना और नागपुर राज्य में गृह युद्ध। तो इनमें से क्या आपको सबसे ज्यादा सही लग रहा है, तो रघुजी तृतीय का अल्पवयस्क होना या अल्पायु होना। इनके अल्पायु होने के कारण ही अंग्रेज क्या कारण देते हैं कि चूंकि रघुजी तृतीय क्या है, अल्पायु है, तो जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक हम क्या करेंगे, तो नागपुर का शासन या नागपुर का जो साम्राज्य है इसकी सारी जवाबदारी अंग्रेजों के हाथों में रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, इस राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, कैप्टन एगन्यू का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था, परगना पद्धति, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का उन्मूलन और राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कार्य है वो एगन्यू के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाइए। लगा लिया आपने आंसर, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अभी तक हमने देखा कि क्या, कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या हो रहा था, क्या हो रहा था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष मराठा शासन चला, जिसमें मराठा शासक कहां पर थे, नागपुर में थे, और छत्तीसगढ़ में शासन कौन कर रहा था, तो कलचुरी कर रहे थे, है ना। लेकिन किसके अधीन कर रहे थे, तो मराठों के अधीन कर रहे थे, इसलिए इस समय को क्या कह रहे थे हम, तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन कह रहे थे। फिर हमने देखा बिंबजी स्वयं आकर शासन किए, जब तक बिंबजी शासन किए वो समय क्या कहलाया, प्रत्यक्ष मराठा शासन कहलाया। बिंबजी की मृत्यु, और बिंबजी की मृत्यु उपरांत फिर क्या होता है, तो बिंबजी की मृत्यु उपरांत जो व्यंकोजी को छत्तीसगढ़ की सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो यहां पर आकर शासन नहीं करते और सूबेदार नियुक्त करते हैं, सूबेदारी शासन हो गया। सूबेदारी शासन तक हमने पढ़ लिया था, अब आप हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। ठीक है, जो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन है, ठीक, इसका समय क्या होता है, तो समय है इसका 1818 से 1830। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या, तो हम देखे थे नागपुर, यही देखते आ रहे हैं हम नागपुर, और नागपुर के अधीन आपका क्या काम कर रहा है, तो छत्तीसगढ़, है ना। तो नागपुर में इस समय अब नियुक्त किया जा रहा था किसे, तो ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हो रहे थे, ब्रिटिश रेजिडेंट नागपुर में कौन नियुक्त हो रहे हैं, तो ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हो रहे हैं, और इनके अधीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हो रहे हैं कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बात आपको यहां तक। अब ये 1818 से 1830 के समय तक जो नागपुर है इसमें दो ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुए, पहले थे मिस्टर जेनकिंस, मिस्टर जेनकिंस, और जेनकिंस जो थे वो 1818 से 1827 तक क्या रहते हैं, तो 1828 से 1827 तक ये नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट रहते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर बिल्डर, मिस्टर बिल्डर, बिल्डर दूसरे ब्रिटिश रेजिडेंट रहते हैं, जिनका समय रहता है 1827 से 1830। क्लियर है, कितने ब्रिटिश रेजिडेंट नागपुर में, तो दो। अब ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन क्या हो रहे थे छत्तीसगढ़ में, ब्रिटिश अधीक्षक, और ये जो ब्रिटिश अधीक्षक हैं इनकी संख्या थी इस समय 6। ठीक है, टोटल कितने ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ में, तो 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए। ठीक, इन 6 ब्रिटिश अधीक्षकों में जो पहला था वो था कैप्टन एडमंड। ठीक, पहले कौन थे, कैप्टन एडमंड। 1818 में लगभग 6 माह के लिए कहा जाता है कि कैप्टन एडमंड क्या हुए थे, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे। इनके उपरांत आए कैप्टन एगन्यू, कैप्टन एगन्यू।
ठीक है। और कैप्टन एगन्यू 1818 से 1825 तक क्या रहते हैं, तो ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। एगन्यू के बाद आते हैं कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर, कैप्टन हंटर 1825 में मात्र कुछ समय के लिए क्या होते हैं, तो ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होते हैं। इसके उपरांत, इसके उपरांत अगले जो आते हैं उनका नाम रहता है कैप्टन सैंडिस। और कैप्टन सैंडिस जो रहते हैं ये 1825 से 1828 तक क्या रहते हैं, तो कैप्टन सैंडिस ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। जिसके उपरांत कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन, ठीक है, कैप्टन विल्किंसन जो है ये 1828 से 1829 तक रहते हैं। और इसके बाद आते हैं कैप्टन क्रॉफर्ड, कैप्टन क्रॉफर्ड, और ये 1829 से 1830 तक क्या होते हैं, तो ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं। और कैप्टन क्रॉफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ठीक है, क्या हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। अब जैसे कि मैं चर्चा करूं, तो जो कैप्टन एडमंड है, कौन है, कैप्टन एडमंड, तो कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के क्या है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है, ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक है, ठीक है, क्या है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक है। साथ ही जो कैप्टन एडमंड है, इनके शासन काल में 1818 में क्या होता है, तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह होता है, ठीक है, कौन सा विद्रोह होता है, तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह। इनके शासन काल में 1818 में क्या होता है, तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह होता है, ठीक है, किनके समय में, तो कैप्टन एडमंड के समय में, ठीक। और ये जो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह है, इसमें इस डोंगरगढ़ के जमींदार की सहायता कौन किया रहता है, तो इसकी सहायता किया रहता है अप्पा साहब, ठीक है, कौन अप्पा साहब, तो वही अप्पा साहब जो कि क्या हुए हैं, तो सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए हैं और इनको सत्ता से निष्कासित कर दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर विद्रोह करवाना शुरू करते हैं। विद्रोह किसके माध्यम से करवा रहे हैं, तो डोंगरगढ़ के जमींदार के माध्यम से। लेकिन इस विद्रोह को कैप्टन एडमंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इस विद्रोह के दमन में कैप्टन एडमंड का सहयोग करते हैं खैरागढ़ के जमींदार, ठीक है, कौन करते हैं, तो खैरागढ़ के जमींदार कैप्टन एडमंड का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। और जब इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, तो खैरागढ़ के जमींदार को ये जो डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र रहती है, उसको क्या किया जाता है, उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है। किसको उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है, तो कैप्टन एडमंड के द्वारा खैरागढ़ के जमींदार को जो डोंगरगढ़ जमींदारी क्षेत्र है, ये उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। ठीक है भाई, ले आ, तू क्या किया है रे, मेरा मदद किया है, तो ये क्षेत्र तू ही रख ले, अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम बहुत अमीर हैं, तू ये क्षेत्र भी रख ले, और ऐसी क्या करते रहना, लगातार हमारी सहायता करते रहना, ऐसे ही तेरे को गिफ्ट मिलते रहेगा। ठीक, ऐसा कौन समझा दिया इसको, खैरागढ़ के जमींदार को, एडमंड समझा दिया। खैरागढ़ के जमींदार का जो क्षेत्र है वो डोंगरगढ़ तक विस्तृत हो गया, है ना, मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई वाले जिले से लेकर राजनांदगांव जिले तक क्या हो गया, तो खैरागढ़ के जमींदार का क्षेत्र विस्तृत हो गया, वो भी खुश हो गया बंदा। ठीक, वेरी गुड, ऐसा मैं करते रहूंगा सहायता आपकी। ठीक है, ऐसी लालच दे देकर, लालच दे देकर जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, आधे से ज्यादा भारतीय राजाओं को अपने साथ में मिला लेते थे। ठीक है, और वही फिर एक जो राजा है वो अपने ही भाई बंधुओं के साथ युद्ध कर रहा है, दूसरा राजा तीसरे राजा के साथ अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध कर रहा है। तो इसी चीज से आपको सीखना है कि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा इतिहास में क्या क्या ये गलतियां हुई हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं,
ताकि क्या कर सके, जो इतिहास की अच्छाइयां हैं उसको हम अपना सके और इतिहास में जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा गलती की गई है, क्या गलती की गई थी, है ना, उसके क्या कारण थे, इन सभी चीजों को हम समझ सके और आने वाले समय में हमारे द्वारा क्या ना हो, ऐसी और गलतियां ना हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीख आपको क्या मिलती है इतिहास से, कि आपको अपनी एकता बनाए रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, आपको अपनी एकता बनाए रखनी है। जब जब घर टूटेगा तब तक क्या होगा, बाहर वाला आकर लूटेगा, है ना। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं होना चाहिए कि हम घर ही घर में लड़ रहे हैं, है ना, घर ही घर में हम लड़ रहे हैं और बाहर वाला आकर क्या कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, इसीलिए इतिहास आपको पढ़ाया जाता है कि इतिहास में क्या क्या गलतियां हमसे हुई है, उन गलतियों को हम सीखें और सीख कर आने वाले समय में उन गलतियों को फिर से दोबारा ना दोहराएं। ठीक, एक छोटी सी गलती होती है और सारा का सारा राज्य क्या हो जाता था, उस समय तबाह हो जाता था, सारा का सारा राज्य किसी दूसरे राज्य के अधीन आ जाता था और वैसी गलतियां हम आज तक कर रहे हैं। ठीक, तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इतिहास पढ़ना पड़ता है और इतिहास से ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको, तो एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था, तो अभी हम क्या पढ़े थे, कैप्टन एडमंड को देख लिए थे। कैप्टन एडमंड के बाद अब हम थोड़ा सा कैप्टन एगेन्यू को देख लेते हैं। कैप्टन एगेन्यू, ठीक, एगेन्यू क्या, तो छत्तीसगढ़ के द्वितीय सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबी अवधि के सूबेदार थे। द्वितीय प्रसिद्ध एवं सबसे लंबी अवधि के सूबेदार थे, द्वितीय प्रसिद्ध एवं सबसे लंबी अवधि के सूबेदार, है ना। अब मैंने बताया था कि जो कैप्टन एडमंड थे वो 1818 में क्या थे, तो कुछ ही समय के लिए क्या हुए थे, यहां पर नियुक्त हुए थे, लगभग 6 माह के लिए क्या हुए थे, 1818 में ये नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1818 में ही कौन नियुक्त हो जाते हैं, अगले अधीक्षक, तो कैप्टन एगेन्यू यहाँ पे अधीक्षक नियुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही ये अधीक्षक नियुक्त होते हैं तो इनके द्वारा इनके शासन काल में 1818 में किया जाता है क्या, राजधानी परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, राजधानी परिवर्तन किया जाता है। ठीक, परिवर्तन कहाँ से, तो रतनपुर से। परिवर्तन कहाँ से, तो रतनपुर से। रतनपुर से कहाँ, रायपुर। ठीक, रायपुर को क्या करते हैं ये, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं, तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाते हैं। कौन बनाते हैं रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाते हैं आपके कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, कौन बनाते हैं, कैप्टन एगेन्यू रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाते हैं। ठीक है, रायपुर को क्या कर दिए, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बना दिए, है ना। अब इसका कारण क्या बताते हैं, तो कहा जाता है कि जो रायपुर है वो प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ के अगर पूरे सीमा को, है ना, छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें, तो रायपुर क्या है, तो रायपुर इस छत्तीसगढ़ के या इस राज्य के केंद्र में है। तो यहां से छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपना शासन या अपना कंट्रोल यहां पर रख सकते हैं। यहां से शासन संचालन में, संपूर्ण क्षेत्र के शासन संचालन में यहां से क्या होगी, शासन संचालन करने में आसानी होगी। दूसरा, कहा जाता है कि इस समय तक रायपुर क्या हो चुका था, तो सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। रतनपुर जो क्षेत्र रहता है वो क्या होने लगता है, इस समय तक बिखरने लगता है, और रायपुर जो रतनपुर की प्रसिद्धि रहती है वो कौन प्राप्त कर लेता है, रायपुर प्राप्त कर लेता है। इसलिए रायपुर को क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई जाती है। कब बनाई जाती है, तो 1818 में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई जाती है, और आज तक वही राजधानी फिर चले आ रहा है हमारा। ठीक, इसके बाद जो कैप्टन एगेन्यू है, इसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, क्या किए, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार के तहत इन्होंने, फिर से एक बार मैं पूरा दोहरा देता हूं आपके साथ, ठीक है, क्या दोहरा देता हूं, तो कलचुरियों के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई क्या थी। ठीक, लिखता हूं पहले, मैं सबसे पहले लिखता हूं क्या, कलचुरी।
है ना। कलचुरी में हम क्या देखे थे, तो एक प्रांत होता था, प्रांत के अंतर्गत जो प्रांत है वो मंडलों में विभाजित था, मंडल फिर किस में विभाजित था, तो गढ़ में विभाजित था, गढ़ किस में विभाजित, तो बारहों में विभाजित, और बारहों किस में विभाजित, तो बारहों आपका ग्राम में विभाजित है, ठीक है। बारहों किस में विभाजित है, तो बारहों आपका ग्राम में विभाजित है। फिर हमने देखा था कि ये जो कलचुरियों की मंडल इकाई है और ये जो बारहों इकाई है, इसको कौन समाप्त कर देता है, तो जब बिंबाजी का शासन आता है छत्तीसगढ़ में, प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू होता है, तो बिंबाजी जो रहते हैं वो प्रांत, प्रांत के बाद सीधा क्या गढ़, और गढ़ के अंदर सीधा ग्राम रखते हैं, ठीक। यहां तक देखा था हमने ये जो गढ़ कैसे बटे थे, तो रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर के अंतर्गत 18 गढ़ों में क्या था, विभाजित था। फिर हमने देखा था कौन आया एक, तो अगले आते हैं विठल राव दिनकर, ठीक है, कौन, तो विठल राव दिनकर। इनके समय में क्या होता है, तो ये प्रांत बनाते हैं, और प्रांत को किस में विभाजित करते हैं, तो ये प्रांत को परगना में विभाजित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ये प्रांत, और प्रांत को किस में विभाजित करते हैं, परगना में। और इन 36 गढ़ों को समाप्त करके ये कितने परगना बनाते हैं, तो टोटल 27 परगना बनाते हैं। और हमने देखा था कि जो परगना का प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, तो कमविसदार कहलाता था, ठीक है। और परगने के अंतर्गत फिर क्या आता था आपका, तो परगने के अंतर्गत ग्राम आता था, समझ में आ गया, विठल राव दिनकर। और विठल राव दिनकर के बाद फिर अगला आप याद रखें एगन्यू को, ठीक है, किसको याद रखेंगे आप, एगन्यू को। एगन्यू के समय प्रांत, और प्रांत के बाद ये परगना ही था, ठीक है, प्रशासनिक इकाई क्या थी, परगना। लेकिन ये जो 27 परगना अभी आपको नजर आ रहा है, इसको समाप्त करके जो एगन्यू थे वो क्या करते हैं, 9 परगना बनाते हैं, ठीक, 8+1 करके याद रखते हैं, अभी बताता हूं मैं, पहले 8 परगना बनाते हैं फिर एक नया परगना और बनाते हैं। तो इन 27 परगनों को समाप्त कर एगन्यू के द्वारा क्या किया जाता है, तो एगन्यू के द्वारा पहले 8 परगना बनाया जाता है, फिर एक और नया परगना बनाया जाता है, तो टोटल कितने परगने हो गए, 9 परगने हो जाते हैं, ठीक। और परगना, परगने के अंतर्गत क्या आपका, तो परगने के अंतर्गत आपका ग्राम, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजों को आप क्या करें, अच्छे से याद रखें, ठीक है, कि कलचुरी में क्या था प्रशासन की इकाई, कलचुरी के बाद जब बिंबाजी आए तो उन्होंने प्रशासनिक इकाई में क्या परिवर्तन किया, बिंबाजी के उपरांत फिर जो विठल राव दिनकर है, इन विठल राव दिनकर के समय में क्या था, विठल राव दिनकर के उपरांत जो एगन्यू है, इन एगन्यू के समय में क्या प्रशासनिक इकाई थी, इसको आप एक साथ कंपेरेटिव याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है, इसलिए क्या करें आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, समझ में आ रहा है बात आपको, देखिए आप इसको एक बार अच्छे से, समझ में आ गया, देख लिया आपने इसको। अब बताता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि ये जो 9 परगना बनाया गया था किसके द्वारा, एगन्यू के द्वारा, ये कौन कौन से थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना आप कि छत्तीसगढ़ में क्या, तो इस समय हम देख रहे थे दो तीन चीजें देखते हैं, 1818 तक छत्तीसगढ़ में कितने परगने, तो 27 परगने, ठीक है, कितने परगने हैं, 27 परगने हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या, 1819, है ना, इन 27 परगनों को समाप्त कर, ठीक है, क्या कर, तो समाप्त कर 1819 में क्या किया जाता है, 8 परगना बनाया जाता है, कितना परगना बनाया जाता है, तो 8 परगना बनाया जाता है। देखते हैं कौन कौन से थे ये परगने, तो ध्यान रखना आप, रायपुर, राजरो, रतनपुर, दुर्ग, धमधा, धमतरी, खरौद और नवागढ़, ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये 8 परगने हो गए आपके, रायपुर, राजरो, रतनपुर, है ना, फिर आप क्या देख रहे हैं, दुर्ग, दुर्ग के बाद धमधा, धमधा के बाद धमतरी, धमतरी के बाद नवागढ़, और नवागढ़ के खरौद, ठीक है, ये क्या हो गए आपके 8 परगने, कब, तो 1819 में। इसके उपरांत
1820 में एक परगना और बनाया जाता है, ठीक, और यह परगना होता है आपका बालोद। ठीक है, कौन सा परगना होता है? बालोद। तो टोटल कितने परगने हो गए आपके पास 1820 में? तो 9 परगने हो गए। शुरू में कितने परगने बनाए गए? तो 8 परगने बनाए गए। और नया परगना क्या था? तो बालोद आपका नया परगना था। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो परगना था वो रायपुर था। ठीक है, रायपुर क्या था? सबसे बड़ा परगना, सबसे बड़ा परगना क्या था आपका? तो रायपुर था। सबसे छोटा परगना पूछे तो खरौद सबसे छोटा परगना था, सबसे छोटा परगना क्या था आपका? खरौद। इसके अलावा जो बालोद है ये सबसे नया परगना, सबसे नया परगना क्या था आपका? तो बालोद आपका सबसे नया परगना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इस बारे में जानकारी किसमें मिलती है हमको? तो इस बारे में जानकारी हमको जेनकिंस की रिपोर्ट में मिलती है। ठीक है, किसमें मिलती है? तो जेनकिंस के रिपोर्ट में मिलती है। ठीक है, इन 9 परगनों के बारे में हमको जानकारी कहां से प्राप्त हो रहा है, या परगनों के विषय में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जेनकिंस के रिपोर्ट में हमको इनके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया ये सारी चीजें? ठीक है, क्या क्या देखा आपने? तो ये देखो, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में सब ये ऐड कर कर रखेंगे आप इसको। ठीक, पूरा ऐड करके रखें। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? तो हमको पता चल गया कि राजधानी परिवर्तन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? राजधानी परिवर्तन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? राजधानी परिवर्तन। आंसर क्या होगा आपका? तो राजधानी परिवर्तन। ठीक, तीसरा बोल रहा है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक है, क्या बोल रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। ठीक, तो अभी हमने देखा था आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया गया था कहां से? तो रतनपुर से रायपुर लाया गया था 1818 में मिस्टर एगेन्यू के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो मिस्टर एगेन्यू के द्वारा। ठीक, बाकी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय इस समय छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, है ना? हमने पढ़ा था कि अभी जस्ट हमने देखा कि रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क थे, है ना? रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, इसलिए क्या किया जा रहा है? तो रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रशासनिक जो दायित्व है वो कौन उठा रहा है? अंग्रेज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पूर्णतः किस में नहीं गया है? तो ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं गया है। छत्तीसगढ़ अभी कौन से साम्राज्य का हिस्सा है? तो मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा है। लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण कौन देख रहा है? तो अंग्रेज देख रहे हैं। भोसला शासन की समाप्ति नहीं हुई है। ठीक है, पहले पॉइंट से ही आपका क्या हो जा रहा है? दूसरा पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि भोसला शासन की समाप्ति अभी नहीं हुई है। ठीक है, भोसला शासन की समाप्ति होगी 1854 में। कैसे होगा आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या? तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो तहसीलदारी व्यवस्था इस समय प्रारंभ नहीं हुई थी। तहसीलदारी व्यवस्था जब 1854 में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन प्रारंभ होगा, तब 1854 में क्या किया जाता है? चार्ल्स इलियट के द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की जाती है। ठीक, क्लियर है तीनों पॉइंट? हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सावंत भारती किससे संबंधित है? शांति दूत से, विद्रोह से, समाज सेवा से, कि देश सेवा से? ठीक है, जल्दी बताएं, लगा लिया आपने आंसर? ठीक है, शांति दूत से, कि विद्रोह से, कि समाज सेवा से, कि देश सेवा से? तो जो सावंत भारती केस है वो विद्रोह से संबंधित है। सावंत भारती एक विद्रोही थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जो छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे? अराजकता फैला रहे थे। ऐसा किसका कहना था? अंग्रेजों का कहना था, मेरा कहना नहीं है, है ना भाई?
मेरा कहना नहीं है, जितने विद्रोही थे सब क्या थे, क्रांतिकारी। मेरा तो यही मानना है, जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो क्या थे, क्रांतिकारी थे। ना कि क्या थे वो, आतंकवादी थे, ना ही विद्रोही थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, क्रांतिकारी थे। और वो अपने देश को, अपने राज्य को क्या देखना चाह रहे थे, स्वतंत्र देखना चाह रहे थे। इसलिए क्या करते थे वो, तो वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते थे, है ना। अंग्रेजी शासन तो बोलने को, तो भगत सिंह को भी क्या बोल देती है, आतंकवादी बोल देती है। और कुछ हमारे देश के ही गद्दार लोग भी हैं जो अभी भी क्या बोल देते हैं, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, हमारे आदर्श, हमारे नेता को क्या कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है हमको, हमारे आदर्श, आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, गांठ मारकर रख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने क्या किया है उस समय, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है, उनका उनका छवि क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर खराब कर प्रस्तुत किया गया है ना। और आने वाली कुछ सरकारों ने भी क्या कर दिया, उसमें मक्खन लगा दिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, विद्रोह से संबंधित है, विद्रोही थे। हमको क्या बोलना है, ये क्रांतिकारी थे, क्या थे, क्रांतिकारी थे। अब ये जो सावंत भारती रहते हैं, ये एगेन्यू की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत होता है कि सावंत भारती छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत ही अराजकता फैला रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अराजकता फैला रहे थे। और इन अराजकता के कारण छत्तीसगढ़ की जो शांति व्यवस्था है वो क्या होती थी, बाधित होती थी। इसलिए एगेन्यू के द्वारा क्या किया जाता है, सावंत भारती को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। उनके विरुद्ध जब मुकदमा चलाया जाता है तो मुकदमे में उनको जीवन, मतलब जो है फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है, कौन सी सजा दी जाती है, तो फांसी की सजा या मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। फिर कहा जाता है कि जो सावंत भारती थे, वो सावंत भारती क्या करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो उनके जो फांसी की सजा थी उसको क्या कर दिया जाता है, तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, ठीक है, किसमें बदल दिया जाता है, तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, ठीक है। एगेन्यू के समय में 1818 में नवागढ़ विद्रोह हुआ था, ठीक है, कौन सा विद्रोह, नवागढ़ विद्रोह, ठीक, जिसके नेता महारसिया थे। अठारह से 1825 तक धमधा का गोंड विद्रोह हुआ था, धमधा का गोंड विद्रोह 1819 में राम राय का विद्रोह, राम राय का विद्रोह, है ना, राम राय का जो विद्रोह है, ये जो राम राय सोनाखान क्षेत्र, हमारे जो वीर नारायण सिंह हैं, है ना, हमारे जो प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह हैं, उनके पिता रहते हैं कौन, राम राय जी, उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया जाता है। इस विद्रोह का सारा डिटेल में जब 1857 में वीर नारायण सिंह पढ़ाऊंगा, तब उस समय आपको इसकी पूरी डिटेलिंग बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, है ना, और उस प्रभाव के तहत कैसे इस प्रभाव को कम करने, अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने के लिए या अंग्रेजों की दासता में जाने से बचने के लिए राम राय जी के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था, ठीक। इसके अलावा 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ था, परलकोट विद्रोह, ठीक, क्या हुआ था, परलकोट विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये क्या है, कैप्टन एगेन्यू के समय हुए कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथन पढ़िए, ठीक है, कथनों को आपको पढ़ना है, पढ़ लेते हैं पहले, पढ़ने बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से, ठीक है, कहां से, तो रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। दूसरा, उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। तीसरा, उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। सही उत्तर आपको चुनना है, 1, 2, 3 सही है, 1 एवं 2 सही हैं, 2 एवं 3 सही हैं, कि 1 एवं 3 सही हैं। पढ़िए एक बार इसको अच्छे से, ठीक है, और पढ़ने के बाद आप अपना आंसर बनाइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। लगा लिया आपने आंसर, लगा लिया कि नहीं लगाया, चलिए पढ़ते हैं।
क्या बोल रहे हैं, सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा, ठीक है, कब किया था, तो 1818 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1818 में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है उसको क्या किया गया, तो रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया गया। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ये भी देखा हमने प्रशासनिक ढांचे का क्या किया उन्होंने, पुनर्गठन किया था कि जो 27 परगने थे उन 27 परगनों को समाप्त करके क्या किया गया उनके द्वारा, तो 9 परगने बनाए गए थे। क्लियर है। तीसरा बोल रहा है उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, ये क्या है, गलत है। ठीक, हमने पढ़ा था कलचुरियों के अंतर्गत पंचकुल व्यवस्था थी जो कि स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर रहा था, साथ ही जब यहां पर मराठा शासन भी स्थापित होता है तो मराठा शासन के समय से भी क्या रहती है, पंचायत व्यवस्था कार्य करते रहती है, बिंबजी के समय से ही, है ना, बिंबजी के समय भी पंचायत व्यवस्था थी। और पंचायत का जो निर्णय था उसको क्या किया जा सकता था, राजा के पास या न्यायालय के पास, उस समय तो राजा के पास जाना नहीं पड़ता था, नियमित न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो बिंबजी भोसले के द्वारा, तो जो पंचायत का फैसला होता था उसको न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती थी। तो आपका एक और दो क्या है, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में से किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है, पूछ रहे, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, नहीं किया गया है। तो हमने देखा कैप्टन एडमंड, पी वांस एगेन्यू, हंटर, इलियट। तो कैप्टन एडमंड थे, एगेन्यू थे, हंटर भी थे, इलियट नहीं थे, है ना, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या, चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर बनेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 1854 के टाइम पे। ठीक, आगे देखेंगे, इनके बारे में बताऊंगा मैं, चार्ल्स इलियट के बारे में, जब हम लोग ब्रिटिश शासन और छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको पता है, ठीक है, कि कौन कौन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए, तो सबसे पहले कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, फिर विल्किंसन, विल्किंसन के बाद क्रॉफर्ड। क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सूची एक ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अधीक्षक को सूची दो, उनकी घटना से क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। ठीक है, कैप्टन एडमंड है, मेजर एगेन्यू, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन क्रॉफर्ड, किसके समय में क्या क्या चीजें हुई थी, चलिए जल्दी कीजिए, कैप्टन एडमंड, ठीक है, अपना आंसर लगाएं आप पहले, फिर मैं क्या करूंगा, आपको आंसर बताऊंगा। लगा लिया आपने आंसर, चलिए लगाइए जल्दी, आप अपना आंसर लगाइए, लगा लिया आपने आंसर, चलो अभी हम क्या कर चुके हैं, हम कैप्टन एडमंड और एगेन्यू के बारे में तो पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है ना हमने कैप्टन एडमंड और एगेन्यू के बारे में। तो कैप्टन एडमंड में हमने देखा था कि इनके समय में क्या हुआ था, तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह हुआ था। ठीक है, कैप्टन एडमंड के समय क्या हुआ था, तो डोंगरगढ़ का जमींदारी विद्रोह हुआ था। ठीक, मेजर एगेन्यू, मेजर एगेन्यू के समय हमने देखा था कि इनके समय क्या हुआ था, राजधानी परिवर्तन हुआ था। 3 और 1 कहां दिख रहा है, सी में दिख रहा है ना, बाकी कहीं पर और आपको 3 दिख नहीं रहा, पहले से ही बन जाता, अगर आपको सिर्फ एक भी पता होता तब भी क्या हो जाता, आपका आंसर यहां पर आ जाता। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, सी। बाकी को भी देख लेते हैं, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन सैंडिस जो रहते हैं, इन्होंने बस्तर और करद, ये करद नहीं है, इसको आप सुधार लेंगे, इसको करौद करेंगे, ठीक है, कांकेर वाला, बस्तर और करद राज्यों के मध्य विवाद में क्या करते हैं, ये समझौता कराते हैं। और कैप्टन क्रॉफर्ड जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, जब रघुजी तृतीय व्यस्त हो जाते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, मराठों को फिर से सत्ता सौंप दी जाती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, तो 3-1-4-2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था, ब्रिटिश काल में जो पंड्या है इसका अधिकार क्षेत्र क्या था, है ना, ये हार्दिक पंड्या वाला नहीं है ना, ठीक है, कौन सा पंड्या नहीं है, हार्दिक पंड्या नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश संरक्षण काल के अंतर्गत एक क्या है, अधिकारी है। ठीक है, एक क्या है, अधिकारी है, या एक कर्मचारी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, एक पोस्ट मान सकते हो किसको, तो पंड्या को, हार्दिक पांड्या नहीं है ना। ठीक है, क्या है फेमस डायलॉग हार्दिक पांड्या का, क्रिकेटर कोई होगा तो बताएं जल्दी, लगा लिया आपने आंसर, बताया नहीं आप लोग, पंड्या का डायलॉग बताएं जल्दी। ठीक,
तो ये जो मैं आंसर बता देता हूँ पहले आपको, राजस्व व्यवस्था देखते थे, ठीक है। 20 से 30 गांव के अंतर्गत, 20 से 30 गांव में राजस्व संबंधी कार्य इनके द्वारा देखा जाता था, राजस्व संबंधी कार्य, ठीक है, किसके द्वारा देखा जाता था, तो पंड्या अधिकारी के द्वारा देखा जाता था। क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारण है वह सत्य है जिससे इस राज्य को कहां जाना पड़ा, तो ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा। पहला बोल रहा है, नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया। दूसरा, अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। तीसरा, अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। चौथा, 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय को अल्पवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। इनमें से जो कौन सा कारण है जिसके कारण जो ब्रिटिश संरक्षण है उसमें इस राज्य को आना पड़ा। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर लगाएं आप। लगा लिया आपने आंसर, क्लियर है। देखें, पढ़ते हैं, नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया। ठीक है, तो क्या सिर्फ अप्पा साहब पराजित हुए इसलिए आ गया क्या छत्तीसगढ़ जो है वो ब्रिटिश संरक्षण में? नहीं, अप्पा साहब पराजित हुए, पराजित होकर तो क्या हो गए, वो भग गए। और सिर्फ क्या की जा रही है, इस राज्य की बात की जा रही है, ना कि नागपुर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। तो सिर्फ अप्पा साहब के पराजित होने से क्या नहीं हुआ, जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, है ना, उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था। तो ये कथन भी क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, यह भी कथन गलत है। संधि हुआ नहीं था, दोनों के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, है ना। अब जब युद्ध हो जाता है और युद्ध में क्या हो जाते हैं, अप्पा साहब पराजित हो जाते हैं, तब अंग्रेज क्या करते हैं, तो परसों जी के पुत्र रघुजी तृतीय को क्या कर देते हैं, सत्ता सौंप देते हैं। ठीक है, और जब तक वो व्यस्क नहीं हो जाते तब तक क्या करते हैं, उनके प्रशासन का दायित्व तो या उनके शासन का दायित्व तो खुद उठा लेते हैं। तो 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। ये क्या है, सही कथन है। ठीक है, संपूर्ण मराठा राज्य क्या रहेगा, ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो उस समय क्या था, नागपुर, और नागपुर के अधीन आपका छत्तीसगढ़ था, इसलिए इस घोषणा के साथ ही नागपुर के साथ छत्तीसगढ़ भी क्या हो गया, ब्रिटिश नियंत्रण में चले गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथन पढ़िए, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। दूसरा, जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। तीसरा, जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। सही उत्तर चुनना है आपको, 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 और 3 सही है। जल्दी चुनिए आप अपना आंसर, कि पहले तो कथनों को पढ़ें अच्छे से, कथनों को पढ़ने के बाद आप ये समझने की कोशिश करें कि आपको पूछा क्या जा रहा है। जल्दी से पढ़ें आप कथनों को, समझ में आ रहा है। पहला क्या बोल रहा है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था, ये सही है। ठीक है, टकोली नामक कर इस समय लिया जाता था, जो कि एक वार्षिक कर होता था। ठीक, दूसरा, जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, यह कथन गलत है कि छत्तीसगढ़ के जो जमींदारी थे उनको क्या नहीं किया गया, इस समय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं की गई थी, है ना, इस समय ब्रिटिश साम्राज्य में उनको नहीं मिलाया गया था। क्यों नहीं मिलाया गया था, क्योंकि अंग्रेज यहां पर क्या कर रहे थे, तो प्रशासनिक नियंत्रण देख रहे थे। अभी इस क्षेत्र पर वो क्या नहीं कर रहे थे, तो इस क्षेत्र के लोगों को या इस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सिर्फ इस समय तक ये छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को समझ रहे थे कि यहां पर हमको, अब जब आने वाले समय में अगर हम यहां पर शासन
शासन करेंगे तो हमको अपना शासन कैसे संचालित करना चाहिए, क्या हमारे नियम होने चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, यहाँ के जो लोग थे उनके साथ कैसे हमको डील करना है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या कर रहे थे, वो सीख रहे थे, इन सब के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे थे। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। यह कथन सही है कि इनके द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश सत्ता को मानने के लिए या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, जैसे टैक्स के संबंध में, ठीक है, जो कर वसूला जाना है उसके संबंध में जो कानून बनाया जा रहा है या अन्य कोई भी प्रशासनिक कानून बनाया जा रहा है, तो उसको सहमत होने के लिए क्या किया जाता था, जमींदारियों से एक हस्ताक्षर कराया जाता था दस्तावेज में, जिससे कोई भी अगर नियम कानून लाया जा रहा है उसको लागू करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक और तीन क्या है आपका, सही है। कहां पर दिख रहा है, डी में। आंसर क्या होगा आपका, डी, एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था, ठीक है, जल्दी बताएं। 1830 से 54 के मध्य में, 1818 से 30 में, 1882 से 1906 की, 1757 से 1787 तक, कब इस क्षेत्र को जिला और यहां के जो प्रशासक है उनको जिलेदार कहा जाता था। लगा लिया आपने आंसर, लगा लिया कि नहीं लगाया, लगा लिया, क्लियर है। तो हमने 6 ब्रिटिश अधीक्षक देखे हैं, इसमें से जब कैप्टन क्राफर्ड का शासन रहता है, ठीक है, किसका शासन रहता है, कैप्टन क्राफर्ड का, तब 27 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश रेजिडेंट कौन, तो मिस्टर बिल्डर, और किसके मध्य, तो रघुजी तृतीय के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है, जिसके तहत जो नागपुर का जो शासन है, नागपुर का नहीं, छत्तीसगढ़ का जो शासन है वो किसको प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है रघुजी तृतीय को, ठीक है। और इसी संधि के तहत 6 जून 1830 को जो शासन है वो किसको सौंप दिया जाता है, तो मराठों को सौंप दिया जाता है, किसके द्वारा, कैप्टन क्राफर्ड के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा शासन शुरू हो रहा है आपका, पुनः मराठा शासन शुरू हो रहा है, ठीक है, कौन सा शासन आपका, तो पुनः मराठा शासन शुरू हो रहा है, ठीक है, कौन सा शासन शुरू हो रहा है, तो पुनः मराठा शासन आपका इसी समय शुरू हो रहा है ना। इसका समय क्या, 1830 से 1854, है ना। अब इस समय नागपुर में कौन है शासक, तो रघुजी तृतीय है, नागपुर में शासक कौन है, रघुजी तृतीय। नागपुर के अधीन हम पढ़ रहे हैं किसको, छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ में ये जो रघुजी तृतीय हैं ये अब जिलेदार नियुक्त करते हैं, क्या करते हैं, तो जिलेदार नियुक्त करते हैं। कितने जिलेदार, तो 8 जिलेदार इस समय नियुक्त होते हैं। इसमें से पहले जिलेदार रहते हैं कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम, गोविंद राम और गोपाल राव, ये क्या होते हैं, 8 जिलेदार यहां पर नियुक्त होते हैं, ठीक। अब चूंकि क्या किया जा रहा है, यहां पर जिलेदारों के माध्यम से शासन किया जा रहा है, तो जब तक इन जिलेदारों के माध्यम से इस क्षेत्र को शासन या इस क्षेत्र पर शासन किया जा रहा था, तब तक यह क्षेत्र क्या कहलाता था, जिला कहलाता था, और यहां के प्रशासक क्या कहला रहे थे, जिलेदार कहला रहे थे, ठीक है। और यह समय आपको कब से कब तक समझ में आ रहा है, तो 1830 से 1854 तक समझ में आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1830 से 1854, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, रघुजी तृतीय के शासन काल में 1830 से 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए थे, धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह,
तारापुर का विद्रोह, मुरिया या मुरिया विद्रोह। सही उत्तर आपको चुनना है कि कौन सा जो विद्रोह है वो रघुजी तृतीय के शासन काल में हुआ है। एक दो तीन हुआ है, दो तीन चार हुआ है, एक दो चार हुआ है कि एक तीन और चार हुआ है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? तो पहला धमधा का जो गोंड जमींदार का विद्रोह है वो इनके शासन काल में होता है। बरगढ़ का विद्रोह होता है, तारापुर का विद्रोह होता है 1842 में, और जो मुरिया विद्रोह है ये 1876 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1876 में। इसलिए कट हो गया। तो एक दो तीन क्या है आपका आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जो धमधा का गोंड जमींदार का विद्रोह है वो 1830 के बाद एक बार फिर से होता है, इसलिए धमधा का गोंड जमींदार का विद्रोह यहां पर रखें। ठीक है, अभी हमने देखा था 1825 तक, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 1830 में फिर क्या होता है? एक बार धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह होता है। ठीक है, इसके अलावा बरगढ़ के जमींदार का भी विद्रोह होता है। तारापुर का विद्रोह 1842 से लेकर आप देखेंगे 1854 तक चलेगा, है ना। तो ये सारे विद्रोह क्या है? तो रघुजी तृतीय के शासन काल में हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक दो और तीन। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, काल क्रमानुसार आपको क्या करना है? लगाने बोल रहे हैं, मतलब आपको काल क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? काल क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। पहला क्या बोल रहा है? रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण। दूसरा, इस राज्य पर मराठा आक्रमण। तीसरा, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ। और चौथा, इस प्रथा मतलब सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, कौन से प्रथा का उन्मूलन? सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम चीजें तो आपने पढ़ लिया है, तो जल्दी क्या करें, इसका आंसर आप लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि 1818 में क्या हुआ है? रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित हुआ। इस राज्य पर मराठा आक्रमण, मराठा आक्रमण कब हुआ था? तो 1741 में हुआ था। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, सूबेदारी व्यवस्था कब? तो 1788 से, है ना। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है यहां पर 1831 में। ठीक है, 1829 के अंतर्गत जब आप भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उन्होंने 1829 में क्या किया? भारत में सती प्रथा उन्मूलन प्रस्ताव लाया और भारत के अंतर्गत सती प्रथा बंद करने की दिशा में एक क्या किया? कदम बढ़ाया। ठीक है, और वो जो 1829 में सती प्रथा उन्मूलन का अधिनियम लाया गया था वो छत्तीसगढ़ में 1831 में रघुजी तृतीय के समय क्या होता है? पारित होता है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सती प्रथा उन्मूलन कब? 1831 में। भारत में आपको पूछेगा तो 1829 में। किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सेट कर लेते हैं। 1741 मतलब दूसरा पहले में आ गया, कहां कहां दिख रहा है? दो, तो बी और सी में, मतलब ए और डी आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया यहीं से। ठीक, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था 1788, तो दो और तीन, दोनों में दो तीन है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, 1818 में क्या हो गया? राजधानी स्थानांतरण, तो एक, तो आपका क्या हो जा रहा है आंसर? तो दो तीन एक और फिर चार, मतलब सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में सुबह शासन काल में निम्नलिखित बात असत्य है। इस काल में राजधानी रतनपुर थी। दूसरा, इस काल में कमाविस्दार पद था। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था। और चौथा, इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था। ठीक है, सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, क्या चुनना है आपको? सही विकल्प आपको चुनना है सूबा शासन काल के संबंध में। ठीक, जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। ठीक है, क्या चुनना था आपको? सही विकल्प। सही नहीं चुनना है आपको, इसमें असत्य कथन जानना है। ठीक है, क्या जानना है आपको? असत्य कथन जानना है। ठीक है, क्या जानना है? असत्य कथन जानना है। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो सत्य है ये जानना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। आपको क्या जानना है यहाँ पे? करेक्ट नहीं जानना है आपको, इनकरेक्ट जानना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सुधार लीजिएगा यहाँ पर। क्या करना है आपको? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इस काल में राजधानी रतनपुर थी, बिल्कुल सही थी। कमाविस्दार का पद था, हाँ, परगने के अंतर्गत कमाविस्दार का पद था, है ना। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, तो हमने देखा था कनिंघम इस राज्य में नहीं आया था, तो ये क्या हो जा रहा है आपका? गलत। इस काल में छत्तीसगढ़ नागपुर का राज्य था, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जा रहा है आपका? केवल तीन।
कनिंघम को आप देखेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के लिए, है ना। 1853 से 1856 के मध्य में क्या किया जाता है, कनिंघम के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए क्या किया जाता है, लगातार सिंध क्षेत्र का दौरा किया जाता है और पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवस्थित उत्खनन कराने का प्रयास कराया जाता है। ठीक है, अगला, मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको, सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी, राजस्व व्यवस्था से, पुलिस व्यवस्था से, व्यापारिक संगठन से, शिक्षण संस्थाएं, किससे संबंधित था आपका सेबंदी व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो सेबंदी व्यवस्था थी ये मराठा काल के अंतर्गत परगनों में, कस्बों में या छोटे छोटे ग्रामों के अंतर्गत क्या, तो पुलिस व्यवस्था से संबंधित थी, पुलिस प्रशासन से संबंधित था। क्या आपका, तो सेबंदी व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, तो सेबंदी व्यवस्था मराठा कालीन परगनों के अंतर्गत या कस्बों या ग्रामों के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था या पुलिस द्वारा जनता की सुरक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविस्दार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था। ठीक है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविस्दार को, ठीक है, किसको, कमाविस्दार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था, राखी कर कहा जाता था, टीका और नजराना, रैयत भेंट और सहसाल भेंट। ठीक है, क्या कहा जाता था इस राज्य में मराठा शासन काल के अंतर्गत जो रक्षाबंधन के अवसर पर क्या दिया जाता था, नजराना दिया जाता था, क्या गिफ्ट दिया जाता था, उपहार जो दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था। ठीक, तो इसे टीका और नजराना कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, टीका और नजराना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, बोल रहे हैं। ठीक है, कौन सा जो जोड़ी है वो सुमेलित नहीं है, पहला क्या, मोकासा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, दूसरा धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव, तीसरा देवस्थान, मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव, और चौथा नामनु, कमाविस्दार को दान दिया गया गांव, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, तो मोकासा, धर्मदाय और देवस्थान बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ये जो आप डी ऑप्शन देख रहे हैं नामनुक, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नामनुक कमाविस्दार को दिया गया गांव नहीं होता था। बाकी आप जो देवस्थान देख रहे हैं, देवस्थान मतलब मंदिर के नाम पर समझ में आ रहा है, देव से, धर्म मतलब धर्म के कार्य को बढ़ावा देने के लिए दिया गया ग्राम दान या भूमिदान, और मोकासा जो था वो ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जाती थी वो क्या कहलाती थी आपकी, मोकासा कहलाती थी। ठीक है, अगला बोल रहा है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, दूसरा पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, सही विकल्प का चयन करना है, दोनों कथन सही थे, केवल एक सही, केवल दो सही और एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, तो एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था और दूसरा क्या बोल रहा है, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था, तो इसमें दोनों सही हैं कि एक गलत है, केवल एक सही है कि केवल दो सही है कि एक और दो दोनों गलत है, जल्दी आप अपना आंसर लगाएं कि मराठा कालीन जो पंचायती व्यवस्था है इसके बारे में, इसमें से ये तो मैंने बता दिया था आपको कि पंचायतों का फैसला क्या किया जा रहा था, न्यायालयों में भेजा जा सकता था। ठीक है, पंचायत के फैसले के विरुद्ध आप कहां जा सकते थे, तो न्यायालय जा सकते थे, पहला चीज आपको जानना है। तो बिल्कुल यह कथन सही है कि जो मराठा कालीन पंचायत था उसमें एक सरकारी कर्मचारी होता था। ठीक है, क्या होता था, एक सरकारी कर्मचारी होता था। ठीक है, सरकारी कर्मचारी क्यों होता था कि अब डायरेक्ट तो न्यायालय नहीं जा सकते ना, जा सकते थे क्या, नहीं जा सकते थे, तो अगर आपको लग रहा है कि पंचायत ने मेरे साथ क्या किया है, फैसला गलत किया है, तो आप सबसे पहले कंप्लेन क्या करेंगे, तो उस सरकारी कर्मचारी से करेंगे, सरकारी कर्मचारी आपकी बात को क्या करेगा, तो आप न्यायालय तक पहुंचाएगा। ठीक है, फिर न्यायालय में क्या की जाएगी, आपके बात की सुनवाई की जाएगी। तो दोनों कथन क्या है आपके, सही है। ठीक है, क्या है, दोनों कथन यहां पर आपके सही है। अगला, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है आपको, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, दूसरा मराठों का छत्तीसगढ़ के
खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था, तीसरा मराठों ने भू राजस्व की टहसाला हो गया, इसको दहसाला कर लेना, भू राजस्व की दहसाला, भू राजस्व की दहसाला बंदोबस्त लागू किया, और चौथा मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। ठीक है, इनमें से जो कौन सा कथन है वो सत्य है, जल्दी से आप बताएं, लगा लिया आपने आंसर? ठीक, क्या बोल रहा है, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखा। हमको छांटना क्या है, सत्य कथन छांटना है, तो हमने देखा था कि मराठों ने कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको पूर्णता जारी नहीं रखा था, क्या कर दिया था उन्होंने, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, नहीं जारी नहीं रखा था, उसमें क्या कर दिए थे, उसमें परिवर्तन कर दिए गए थे। दूसरा, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। ठीक है, जो खालसा, खालसा मतलब होता था ऐसा भूमि जो कि टोटल सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, सरकारी भूमि है ना, ये जो सरकारी भूमि है इस पर मराठों का या मराठा राजाओं का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण होता था। यह कथन क्या है, सही है, आंसर भी आपका हो जा रहा है। और चर्चा कर ले रहे हैं, मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, तो ये जो दहसाला बंदोबस्त है ये मराठों ने यहाँ पर लागू नहीं किया था। दहसाला बंदोबस्त होता क्या था, तो ये जब आप भारतीय इतिहास के अंतर्गत अभी मुगल वंश पढ़े होंगे, तो मुगल वंश के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि 1580 के समय में मुगल सम्राट अकबर के टाइम पर क्या किया जाता है, उनके वित्त मंत्री टोडल मल्क के द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की जाती है जिसको बोलते हैं दहसाला बंदोबस्त। ठीक है, इस दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत जो भूमि है या किसी क्षेत्र के अंतर्गत 10 साल का जो एवरेज उत्पादन है, ठीक है, जो औसत उत्पादन होता था उसके आधार पर क्या किया जाता था, तो कर का निर्धारण किया जाता था कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर इतना उत्पादन हो रहा है, 10 साल के अंतर्गत एवरेज इतना उत्पादन हुआ है, तो इस एवरेज का इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 साल के लिए यह व्यवस्था थी, 10 साल के जो उत्पादन था, ठीक है, जो उत्पादन का एवरेज था उसको निकाला जाता था और उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, तो ये जो इजारेदारी व्यवस्था है ये अंग्रेजों के समय में शुरू हुई थी 1772 में। ठीक है, कब, 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय, है ना, और इस इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत 5 साल के लिए क्या किया जाता था, ए जो भूमि होती थी उस पर बोली लगाई जाती थी, और जो सर्वाधिक बोली लगाता था उसको क्या कर दिया जाता था, वो भूमि या पर्टिकुलर वो क्षेत्र दे दिया जाता था। अगर आपने, ठीक है, एक नीलामी हो रही है कि ये क्षेत्र का नीलाम किया जा रहा है, इस क्षेत्र को 5 साल के लिए नीलाम किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र से ज्यादा कर लाकर अंग्रेजों को देगा उसको क्या कर दिया जाएगा, ये क्षेत्र दे दिया जाएगा। आपने बोली लगाया, मैं 10 दूंगा, मैं 20 दूंगा, मैं 50 दूंगा, 100 दूंगा, तो जो 100 रुपए दूंगा बोलेगा उसको क्या कर दिया जाता था, 5 साल के लिए ये भूमि या ये पर्टिकुलर क्षेत्र क्या कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। अगला, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। पहला बोल रहा है फडणवीस, बड़कर, बरार, पांडे, पोद्दार। ठीक है, अब इनके कार्यों को बताया गया यहाँ पे, एक तरफ लिखा है परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, दूसरा बोला है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, और तीसरा बोला है सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, चौथा बोला है परगना की आमदनी का हिसाब रखना। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप अपना आंसर दें, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। लगा लिया आपने आंसर कि नहीं लगाया, लगा लिया, ठीक। देखते हैं कि जो मराठा प्रशासन था, ठीक है, मराठा प्रशासन, इस प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा कि प्रांतों के अंतर्गत कुछ लोग क्या थे, नियुक्त थे, जिसमें सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदार थे, फिर ब्रिटिश नियंत्रण के समय में ब्रिटिश अधीक्षक थे, और जब पुनः मराठा शासन आया तो प्रांत में कौन नियुक्त हो रहे थे, जिलेदार नियुक्त हो रहे थे। अब इनकी सहायता हेतु, ठीक है, इनकी सहायता हेतु जो परगना था उसमें कौन होता था, कमाविजदार होता था। ठीक है, सब परगने के अंतर्गत कौन एक अधिकारी, तो कमाविजदार ये क्या होता था, इनके परगना अधिकारी था। ठीक है, क्या था, परगना अधिकारी होता था। ठीक है, क्या होता था ये, तो ये परगना अधिकारी हो
होता था, है ना। अब परगना अधिकारी था ये, परगना अधिकारी के भी सहायता के लिए क्या थे, बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें बरार पांडे, पोतदार, बड़कर, पंडरी पांडे, माल चपरासी, गौटिया, पटेल, चौहान, अमीन, कोतवाल, ये सब क्या थे, इनके अधीन थे। साथ ही बरार पांडे, बरार पांडे, बरार पांडे के अधीन क्या होता था, एक और पोस्ट होता था, ठीक है। बरार पांडे के अधीन क्या होता था, तो एक और पोस्ट होता था, ठीक है, जिसको, ठीक, यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको लिख लेना, ठीक है। जो पोतदार होता था, ठीक है, ये क्या होता था, तो ये बरार पांडे के अधीन होता था, ठीक है। बरार पांडे के अधीन पोतदार, और यहां पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना आप, फडणवीस, फडणवीस, ठीक है। ये सारे क्या होते थे, कमोविजदार के अधीन कार्य करते थे, ठीक है। अब हमको पता है कि जो कमोविजदार है वो परगने का क्या होता था, प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। किसका प्रमुख अधिकारी होता था, तो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। और परगने के अंतर्गत क्षेत्र की शांति सुरक्षा बनाए रखना तथा राजस्व वसूली का कार्य करना, ये सारा किसका काम था, तो कमोविजदार का काम होता था, ठीक है। अब इसमें जो आगे हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक एक चीज पर मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। फडणवीस, ठीक, फडणवीस जो है ये परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, ठीक है, बिल्कुल सही है। फडणवीस जो है वो क्या करता था, परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। हमको क्या जानना है, इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है जानना है। बढ़कर, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, ये भी सही है। बढ़कर जो है लगान संबंधी क्या करता था, दस्तावेज तैयार करता था। बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, नहीं। बरार पांडे जो होता था ये समस्त ग्रामों का दौरा करके क्या करता था, एक लगान रजिस्टर तैयार करता था, ठीक है। और उसी लगान रजिस्टर के आधार पर क्या होता था, तो उस क्षेत्र का कर निर्धारित होता था। पोतदार, परगना की आमदनी का हिसाब रखना, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। बरार पांडे क्या हो जा रहा है इसमें, असत्य है, और यही सुमेलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बरार पांडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बरार पांडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी सब क्या है, तो सही सुमेलित है। अगला दिया है आपको, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, ठीक है। इसका क्रम बिगड़ गया है, ठीक है, यहाँ इंग्लिश वाला सही है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। पहला क्या बोल रहा है, कमोविजदार, फडणवीस, गौटिया और बड़कर, ठीक है, परगना व्यवस्था के अधिकारी और उनके दायित्व, ठीक है। इनको हमको क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जल्दी से आप सुमेलित कीजिए कि कमोविजदार कौन होता था, है ना, फडणवीस कौन होता था, गौटिया कौन होता था। तो आप पहले तो कमोविजदार के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, कि परगने के प्रशासन का क्या होता था, ये प्रमुख होता था, है ना। परगने के प्रशासन का क्या होता था, प्रमुख होता था। तो देखें आप कि पहले का दो कहां पर नजर आ रहा है आपको, तो सिर्फ बी में नजर आ रहा है ना। किस में नजर आ रहा है, बी में नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सीधा सीधा बी ही सही हो गया आंसर आपका, क्या हो गया, बी हो गया। फडणवीस, फडणवीस क्या है, तो परगने के आय व्यय का प्रभारी होता था। गौटिया, गौटिया क्या, तो गौटिया होता था आपके गांव का प्रमुख, है ना। और बढ़कर, परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता था, ठीक है। सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति के अलावा जो बढ़कर होता था वो कृषि एवं प्रशासनिक सूचनाएं भी क्या करता था, तो ये कमोविजदार को देता था, ठीक है। सामान्य स्थिति की सूचना या कृषि की या प्रशासनिक स्थिति की सारी सूचनाएं बढ़कर किसको देता था, तो कमोविजदार को देता था, कि गांव के अंतर्गत या परगने के अंतर्गत क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। इन सब की सूचनाएं किसके द्वारा, तो बढ़कर के द्वारा दी जाती थी, किसको, तो कमोविजदार को। क्लियर है यहां पर, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा हम एक दो चीज और देखे थे, ठीक है, जिसमें क्या था आपका, एक पंडरी पांडे देखे थे आप, ठीक है। क्या देखे थे, पंडरी पांडे,
ठीक है। तो ये जो पंडरी पांडे होता था ये मादक द्रव्य से होने वाले आय व्यय का हिसाब रखता था, ठीक है। क्या करता था? मादक द्रव्य, ठीक है, पीले पीले ओ मुड़ जानी वाला, ठीक है, इन सबसे जितना भी आय होता था उसका क्या करता था, ये हिसाब रखता था, ठीक। फिर एक देखे थे आप क्या, माल चपरासी, ठीक, क्या देखे थे, माल चपरासी। और माल चपरासी जो होता था ये शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करता था, ठीक, क्या करता था, शासकीय संपत्ति की सुरक्षा करता था तथा समय समय पर अपराधियों की खोज करके उनको कमाविजदार के आदेश पर दंड भी देता था, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला, मराठा काल में सेवई था, सेवई खाने का एक क्या है, एक डिश है ना, मिठाई टाइप का है ना, सेवई खाते हो नहीं खाते हो, कौन कौन सेवई खिलाएगा, खिलाओगे नहीं खिलाओगे, इतना कर सकते हो यार, फ्री क्लास दिया जा रहा है आपको, है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो सेवई तो खिला ही सकते हो आप, है ना। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोल रहे थे, मैं जब राजीव लोचन वाला बता रहा था तो पीढ़िया पर यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है करके, है ना, तो कुछ कुछ को बोला था मैं कि पीढ़िया खिलाना करके, तो कोई कमेंट में बोल रहा था कि नहीं खिलाएंगे करके, ठीक है भाई मत खिलाना यार, है ना, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, मराठा काल में सेवई क्या था, बिक्री कर था, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था कि अर्थदंड या जुर्माने की राशि थी या ग्राम प्रमुख होता था, तो जो सेवई होता था वो अर्थदंड या जुर्माने की राशि होती थी, ठीक है, क्या होता था, अर्थदंड या जुर्माने की राशि होती थी, क्या आपका सेवई अर्थदंड या जुर्माने की राशि। अनेक छोटे छोटे स्थाई अस्थाई करों का समूह होता था, अनेक छोटे छोटे अस्थाई करों का समूह क्या कहलाता था, सेवई कहलाता था, ठीक। फिर दिया है, मराठा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर एवं उनका अर्थ सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक। पहला टकोली, जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजरान, ये बिल्कुल सही है, जो यहाँ पे जमींदार होते थे वो मराठा शासकों को क्या करते थे, प्रति वर्ष टकोली देते थे, ठीक है, एक निश्चित राशि प्रति वर्ष कर के रूप में देते थे जिसको क्या कहा जाता था, टकोली कहा जाता था। दूसरा है आबकारी, मादक द्रव्यों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस पर शुल्क, यह भी बिल्कुल सही है, ये जो आबकारी कर होता था इसको कलाली कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, कलाली कहा जाता था। शायद विक्रय कर, बिल्कुल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता था, आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर, ठीक है, क्या होता था, आयात निर्यात कर होता था। सेवई, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, गलत, अभी हमने देखा था कि सेवई क्या होता था, तो अर्थदंड या जुर्माने की राशि होती थी, ठीक, क्या होती थी, अर्थदंड या जुर्माने की राशि। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, सेवई इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कालीन एगन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को क्या करना है, आपको सुमेलित करना है, सेवई, मोकासा, महल और पट्टी, ठीक है। तो अभी आपने देखा था सेवई, सेवई मतलब क्या हो रहा था, जुर्माना से प्राप्त रकम, अभी जस्ट हमने देखा सेवई क्या, तो जुर्माना से प्राप्त रकम। दूसरा आपने क्या देखा, मोकासा, मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, तो ए का तीन कहां पर नजर आ रहा है आपको, दो जगह नजर आ रहा है, ए और बी में, मतलब सी और डी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। और बी का एक कहां पर नजर आ रहा है आपको, तो एक नजर आ रहा है आपको बी में, है ना, क्लियर है। तो फिर आपका तीसरे का क्या हो जाएगा, महल, महल क्या आपका, तो महल आपका हो जाएगा खालसा जमीन पर टैक्स, ठीक है, महल क्या होता था, तो खालसा जमीन पर जो टैक्स लगाया जाता था महल। और पट्टी, घरों पर लगाया गया टैक्स क्या कहलाता था, पट्टी कहलाता था, घरों पर लगाया गया टैक्स पट्टी कहलाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4, क्लियर है, समझ में आ गया। पट्टी क्या, तो घरों पर लगाया गया कर, महल क्या, तो जमीन पर लगाया गया कर, इसके अलावा एक मुंडो नून कर होता था, ठीक है, क्या होता था, मुंडो नून कर, है ना, और ये जो मुंडो नून कर होता था ये शादी पर टैक्स होता था, ठीक, क्या, तो मुंडो नून कर ये शादी पे टैक्स होता था। और इसके अलावा एक होता था सावन कर, ठीक है, क्या होता था, सावन कर, ये जो सावन कर है
ये तब लिया जाता था जब कोई स्त्री क्या हो गई, विधवा हो गई, और विधवा होने के उपरांत अगर वो अपने माता पिता के साथ रह रही है, ठीक है, मतलब अपने सास ससुर को छोड़कर कहाँ निवास कर रही है, अपने माता पिता के साथ रह रही है, तब उससे कौन सा कर लिया जाता था, सावन कर लिया जाता था अपने माता पिता के साथ रहने के लिए, ठीक है। मतलब सोचो कितना लूट मचा हुआ था, व्यक्ति को अपने माता पिता के साथ रहने के लिए भी क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है। इसलिए जब आप मेंस में आएंगे, आंसर राइटिंग में आएंगे, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे ना क्या, तो सूबेदारी व्यवस्था, सूबेदारी व्यवस्था के बाद ब्रिटिश संरक्षण काल, तो इसमें या सूबेदारी व्यवस्था का जैसे कि आप मूल्यांकन करेंगे, आपको इवैल्यूएशन करने के लिए बोला जाएगा कि सूबेदारी व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए आप करके, तब उसमें यही सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि सूबेदारी व्यवस्था वो क्या थी, एक लूट खसोट की व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता से क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था, है ना। मतलब जनता तुम मर जाओ लेकिन क्या करो, तुम लाकर टैक्स दो, ठीक है, तुम्हारे जीने मरने से राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको क्या करना है भैया, टैक्स देना है, ठीक है। इतना प्रताड़ना दिया जाता था किस समय में, तो मराठा कालीन सूबेदारी व्यवस्था के समय में बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे क्या छत्तीसगढ़ की जनता। मराठा काल के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष मराठा काल का जो समय रहता था, है ना, जो प्रत्यक्ष मराठा काल का जो समय था उसमें बिंबाजी के समय की प्रशंसा की गई है सभी के द्वारा, है ना, बाबू रेवा राम ने प्रशंसा की है, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने प्रशंसा की है, है ना। उस समय तक जो प्रजा थी वो क्या थी, बहुत संतुष्ट थी, जो मराठा राजा बिंबाजी थे उनका जो शासन था वो प्रजाहितकारी था, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत जो शासन व्यवस्था शुरू हुई यहाँ पर वो एक शोषणकारी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत आप सूबेदारी व्यवस्था को देखते हैं। अगला है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में एक मन तौल का वजन होता था, एक मन तौल का वजन कितना होता था, 8 पंसेरी 5 पंसेरी 14 सेर या 21 सेर, कितना होता था, जल्दी आप आंसर लगाएं, 8 पंसेरी 5 पंसेरी या 14 सेर या 21 सेर, ठीक है। तो जो मराठा कालीन है उसमें एक मन तौल का वजन, ठीक है, कितने मन, तो एक मन तौल का वजन कितना होता था ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस समय जैसे लाख हो गया, घी, गुड़, सूत, इन सब के लिए क्या किया जाता था, जो मापन की इकाई थी वो थी सेर, क्या थी, सेर, और 5 सेर का, ठीक है, कितने सेर का, 5 सेर का क्या होता था, 1 पंसेरी होता था, ठीक है, क्या होता था, 1 पंसेरी होता था, और 8 पंसेरी का, ठीक है, क्या, 8 पंसेरी का 1 मन होता था, ठीक है, क्या होता था, 1 मन, तो 1 मन बराबर कितना, तो 8 पंसेरी, 1 मन बराबर कितना होता था, तो 8 पंसेरी होता था, ठीक है, क्या होता था, 8 पंसेरी होता था, ठीक है। ये तो सूत, घीड़, गुड़, इन सब के लिए हो गया। इसके अलावा आय में लेन देन के लिए जो कार्य करता था वो होता था कौड़ी, क्या होता था, कौड़ी, और 4 कौड़ी के बराबर, ठीक, किसके बराबर, तो आपका 4 कौड़ी के बराबर, कितने कौड़ी के बराबर, तो 4 कौड़ी के बराबर 1 गंडा होता था, ठीक है, क्या होता था, 4 कौड़ी के बराबर 1 गंडा, ठीक है। और ऐसे ही 5 गंडा अगर हम मिला देते थे तो बनता था 1 कोरी, ठीक है, क्या बनता था, 1 कोरी बनता था। कोरी के बाद आप देखें 5 गंडा के बाद अगर आप 20 कोरी मिला दें, ठीक है, कितने कोरी, 20 कोरी मिला दें, तो बनता था 1 दोगानी, क्या बनता था, 1 दोगानी, और 1 दोगानी के बराबर अगर आप 16 दोगानी मिलाते थे, ठीक है, कितने दोगानी, 16 दोगानी अगर आप मिलाते थे तब क्या बनता था आपका, 16 दोगानी के बराबर 1 रुपया होता था, ठीक है, क्या होता था, 1 रुपया होता था, ठीक है, कितने दोगानी के बराबर, तो 16 दोगानी के बराबर 1 रुपया होता था, ठीक। तो देखो 4 कौड़ी, ठीक है, 4 कौड़ी मिलकर 1 गंडा, ठीक है, उसमें अगर 5 गंडा मिला दें तो क्या होता था, तो 1 कोरी होता था, तो 1 कोरी में कितना कौड़ी, तो 5 चौक 20 कौड़ी, ठीक है, फिर कोरी 20 कोरी मिलकर क्या बन गया, दोगानी, और 16 दोगानी मिलकर क्या होता था, 1 रुपया होता था, ठीक है। तो देखो 1 रुपया की वैल्यू उस समय कितनी अधिक थी, ठीक है। ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो बस्तर के इतिहास में होगा, और बस्तर के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो छिंदक नागवंश पर बेस्ड होगा, ठीक है, किस पर होगा, तो छिंदक नागवंश पर बेस्ड होगा। छिंदक नागवंश के संबंध में कल हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही उसके संबंध में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। और अभी तक का जो हमारा प्रयास है, जो आपको चीजें अगर पसंद आ रही है तो फिर से वही बात, लाइक कमेंट कर दो यार, है ना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को,
और इसके बाद छिंदक नागवंश और छिंदक नागवंश के उपरांत अगला हमारा टॉपिक होगा बस्तर का इतिहास पार्ट टू। उसके अंतर्गत हम टोटली काकतीय वंश पर फोकस करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या आपका काकतीय वंश है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, ठीक है, कौन कौन से राजाओं ने शासन किया, क्या क्या घटनाएं हुई उनके समय में, इन सब पर क्या करेंगे हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कल, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।